Okay, yesterday we were discussing about the physiological determination regarding the endurance. और उसमें हमने low twitch fibers के बारे में, high twitch fibers के बारे में, इनके बारे में बात की थी. And regarding the body fats, age factors जो count होते हैं, age of our genders, इन चीजों का इससे पता चलता है. क्योंकि ये बात confirmed है कि फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा पे करते हैं. कल इसी के बारे में बताया था कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वर्किंग ऑफ अ फीमेल एंड अ मेल. अप टू सम एक्सटेंट या कुछ हद तक सिमिलैरिटीज रहती हैं. उसके बाद जैसे जैसे उनमें फिजिकल चेंजेस आते जाते हैं, वैसे वैसे उनके वर्क में या उनके स्ट्रक्चर में या उनके फिगर में या उनके फिजिक में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है. और वर्किंग लोड और वर्किंग कैपेसिटी भी जो है वो डिफरेंट हो जाती है. उसके बाद न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्सेज जो हैं उनके वो डिफरेंट रहते हैं. मसल्स की फॉर्मेशंस हैं, फिगर की फॉर्मेशंस हैं. एंडोरेंस, जैसे मैंने कल बताया था कि एंडोरेंस जो पार्ट जो है वो फीमेल में एज कम्पेयर टू मेल इज मोर वेयर एज अ स्ट्रेंथ एंड स्पीड. कंपैरेटिवली जो मेल में है वो ज्यादा होती है गर्ल्स में या फीमेल के उसमें. इट्स ड्यू टू अ गॉड गिफ्टेड या फॉर्मेशन ऑफ बॉडी, उस तरीके से है. यहाँ पर कोई आजमाइश या ये नहीं कहा जाता कि दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड दीज आर नॉट. ये सब स्ट्रक्चर्स जो है दिस इज गॉड गिफ्टेड टू एवरीवन. सो थ्रू दिस वी कैन डिटरमिन देयर स्ट्रेंथ एंडोरेंस. फ्लेक्सीबिलिटी, व्हाट इज फ्लेक्सीबिलिटी बेटा? एक्सटेंशन ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स की कितनी एक्सटेंड तक जा सकते हैं किसी भी काम के लिए. उसमें क्या है, उसमें नॉर्मली रहता है कि गर्ल्स की फ्लेक्सिबिलिटी जो है, यहाँ पर कंपैरिजन नहीं किसी भी चीज का हो रहा है, एक जनरल फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है कि जो जॉइंट का स्ट्रक्चर है, एज है नॉर्मली, या कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह हैं, या इंटरनल एनवायरमेंट जो होता है वो बताता है कि वर्किंग कैपेसिटी या वर्किंग वे या आउटपुट कैसा रहेगा. इज इट क्लियर बेटा? इतनी बात आपको समझ में आ रही है? नाउ देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज व्हाइल डूइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस, व्हाट चेंजेस या इफेक्ट या इम्पैक्ट्स जो है वो हमारी बॉडी पर पड़ते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर, हमारे कार्डियोवेस्कुलर, इन सब पर क्या इफेक्ट होता है या इम्पेक्ट होता है जब हम अलग अलग तरीके की एक्सरसाइजेस जो हैं वो हम करते हैं. तो सबसे पहले हम लेते हैं कि हमारे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पर क्या असर करता है. ठीक है बेटा, नॉर्मली क्या होता है, जैसे आपको पहले भी बताया हुआ है, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट आपको पता है ना बेटे क्या होती है? व्हाट इज कार्डियो आउटपुट, क्या होता है? कैन एनीवन टेल? ये आपको मैंने प्लस वन में भी करवाया था. कार्डियक आउटपुट क्या होती है बेटा? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट, क्या चीजें होती है बेटे, इसका क्या मतलब होता है? व्हाट इज दिस? नॉर्मली ये कौन सी चीजें हैं या क्या है? इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट का मतलब क्या होता है? नॉर्मली हम जो नर्व सेकते हैं वो करते हैं, उसका क्या है हमारे, पता है आपको रेस्टिंग हार्ट रेट कितना होता है हमारा, कोई बताएगा बेटा? एनी वन ऑफ यू, दोस हु आर प्रेजेंट इन द क्लास, नॉर्मल हार्ट रेट क्या है हमारा? 72 बीट्स है बेटे पर मिनट, 72 बीट्स होती हैं एक आम उसके लिए. और जो यानी कि हमारा इनटेक, इनहेल, एक्सहेल जो है वो कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, ये सारा 72 बीट्स में हम 1 मिनट में 72 बार करते हैं, तो हमें उतनी ऑक्सीजन मिलती है. वेयर एज फॉर अ एक्सपीरियंस जो
एथलीट्स होते हैं वो कितने में, यही इतनी ऑक्सीजन वगैरह कवर करते हैं बॉडी में, दैट इज नियर अबाउट 28 या 29 से लेकर 40 बीट्स के अंदर ही वो उतनी ऑक्सीजन इनटेक कर लेते हैं बॉडी में। यानी कि एफिशिएंसी जो है प्रैक्टिस के साथ उनकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है बॉडी में, ठीक है। वर्किंग कैपेसिटी भी बढ़ती है, एफिशिएंसी जो है वो भी बढ़ जाती है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? यस, द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट पर बीट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल का हमने पढ़ा है ना, उसमें क्या है इन अ सिंगल बीट क्या होता है बेटा, ये ध्यान रखना। कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है? स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है उसमें सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में कितना ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से रिलीज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। वेयर एज द कार्डियक आउटपुट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो हमारा हार्ट पंप करता है 1 मिनट के अंदर। और नॉर्मली बच्चे जो हैं वो इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। अब इसके याद करने का एक ही है, स्ट्रोक मतलब सिंगल वे एक बार में मारना, कार्डियक आउटपुट है 1 मिनट। यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब है सिंगल बीट या वन स्ट्रोक, उसमें हमारी बॉडी जो है वो कितना ब्लड जो है वो पंप करती है या थ्रो करती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। अब ब्लड फ्लो क्या है? द मसल्स रिक्वायर्ड 15 to 20% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटिंग थ्रू द बॉडी, और उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड फ्लो कहते हैं। नॉर्मली जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी हार्ड वर्क करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जो हमारे नॉर्मल रूटीन से हटकर होता है, उसमें क्या होता है, हमारी ब्लड फ्लो की कैपेसिटी जो है या सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाता है। मान लो आप रेस कर लगा रहे हो, ठीक है ना, व्हेन यू आर रनिंग बेटा, तो क्या होता है एकदम से हम देखते हैं ना हमारी सांस फूल जाती है या फिर सांस तेज तेज आने लगती है। इसका मतलब है बॉडी जो है रेस्टिंग से मूवमेंट में आ गई है, हमारी सर्कुलेशन का फ्लो जो है वो बढ़ गया है और पूरी बॉडी स्ट्रक्चर में या पूरी बॉडी में आराम से वो जाने लग गया है, जो हमारे लिए क्या है बहुत ही बेनिफिशियल है। यू आर नॉट वेल देन वाई यू कम बैक मदर, क्या प्रॉब्लम है? तो गोली ले ली थी, खाना खा लिया, खाना खा के थे, मेडिसिन लिया आपने, तो यू शुड टेक द मेडिसिन ना टू रिलीज, ठीक है, चलो ठीक है, एज यू विश बेटा, ये आपके अपनी उस पर है। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है बेटे, पता है आपको व्हाट इज ब्लड प्रेशर? नाम सुना है ना, बीपी बोलते हो, घर में भी बड़े बूढ़े चेक करवाते होंगे है ना डॉक्टर के पास जाके, या आपने नॉर्मली देखा होगा व्हेन वी गो टू द डॉक्टर और विजिट टू द डॉक्टर फॉर सम और अदर रीजन, सबसे पहला क्या होता है, पर्सन के बीपी को चेक किया जाता है। और इसको नॉर्मली हम दो पार्ट्स में करते हैं, आपको अच्छी तरह पता होगा, एक सिस्टोलिक होता है और दूसरा डायसिस्टोलिक। मशीनें जब हम देखते हैं ना, मशीनों में लिखा होता है सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक। अब सिस्टोलिक क्या है? दैट इज नॉर्मल जो होता है वो 120/80 होता है, ठीक है। इससे ऊपर जाने पे क्या होता है, थोड़ी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं, या हम कहते हैं इसे डायसिस्टोलिक में क्या होता है, डायसिस्टोलिक में नॉर्मली हम इसे पंजाबी में या अन्य मैन की लैंग्वेज में ऊपर का कितना है और नीचे का कितना है, हम इस चीज को नॉर्मली कहते हैं। इंक्रीज ऑफ और एक्सरसाइज करने से हमें बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं रिगार्डिंग द कार्डियो, हार्ट जो है हार्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर ये नहीं है कि वो घर कमरे से बाहर या रूम
हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है, उसकी वर्किंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है, आउटपुट जो है वो ज्यादा देना शुरू कर देता है। एफिशिएंसी जब किसी चीज की बढ़ जाती है तो आउटपुट नॉर्मली जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है। डिक्रीजिंग इन आ रेस्टिंग हार्ट रेट, जो अभी बात की थी हमने, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑफ आवर रेस्टिंग हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं एट अ रेस्ट स्टेज पर, वो इंक्रीज हो जाते हैं। इम्प्रूव हो जाता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम से हमें क्या फायदा है बेटे, पूरी बॉडी में हमारे ब्लड का जाना, उसके साथ ऑक्सीजन का जाना हर जगह पर, जिसके कारण हमारी बॉडी जो है उसकी वर्किंग जो है वो स्मूथ हो जाती है। इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है वॉल्यूम है, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, इसमें भी इंक्रीमेंट या इंक्रीज हो जाते हैं हमारी। और सबसे ज्यादा चीज जो है वो हमारी रिकवरी जो है वो फास्ट हो जाती है। फास्ट रिकवरी स्टेज जो है या रेट जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि हमारी फटीग जो है वो डिले हो जाती है, हमें थकान जो है वो कंपैरेटिवली कम होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का सेटअप उस तरीके से होना शुरू हो जाता है। नाउ वी विल डू रिगार्डिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं, कहाँ से हैं, नोस्टिल्स हैं, और क्या चीज होती है, इसके बाद क्या होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट है कुछ पता है? सांस लेने के लिए कहाँ से, लंग्स तक जाने के लिए कौन कौन से है, पाइप होती है उसको क्या कहते हैं बेटा, विंड पाइप है, विंड पाइप, इसका और कोई नाम होता है, दूसरा नाम कोई है, एनी वन ऑफ यू दोस हु आर प्रेजेंट इन द क्लास, लैरिक्स, फेरिक्स, क्या होते हैं ये पढ़े हुए हैं नाम, नेजल्स हैं, दीज आर द नेजल्स, ठीक है। उसके बाद साउंड बॉक्स जिसको आप बोलते हो ना नॉर्मली, ये सारी चीजें क्या है, ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। ट्रेकिया है, फिर ब्रोंकल है, ट्यूब्स हैं जहाँ से लंग्स में जाता है सामान सारा, इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सक्रीट करते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है हमारी बॉडी में वो बाहर आता है। प्रिवेंशन इन डिजीजेस, कभी भी अगर हम कोई भी एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं या योगा करते हैं, एनीथिंग वी डू फॉर अ बॉडी, तो उसका हमें हमेशा ही गुड रिजल्ट मिलता है, जिसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम को हम कहते हैं ना आजकल बहुत सुनने में आया, इम्यून सिस्टम बढ़ाओ, उसका क्या मतलब है, दैट अ बॉडी इज रेडी टू फाइट फॉर द फॉरेन बॉडीज, जो बाहर से आने वाली बीमारियां हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनसे फाइट करने के लिए, उनसे लड़ने की उनमें क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना बेटे। उसके बाद ब्लड जो है उसका सप्लाई बढ़ जाता है, एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, वर्किंग कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी कभी वर्ड सुना है बेटे, क्या होता है, सांस लेकर जोर से सांस को बाहर की तरफ छोड़ना, ठीक है, वो हमारा बढ़ जाता है। मैंने उस दिन भी बताया था कि नॉर्मली सब क्या कहते हैं कि हम जो सांस है बस यहां तक लेते हैं, वी नेवर टेक अ डीप ब्रेथ, उसे ना कभी हम रोकते हैं। उसके बाद जो योगा में नॉर्मली बताया जाता है कि डीप ब्रीदिंग करो, सांस लो, इन सबको क्या कहते हैं बेटा, ये आता है हमारी वाइटल कैपेसिटी में। वाइटल कैपेसिटी द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल बाय द मोस्ट फोर्सफुली एक्सपायरेशन आफ्टर द डीपेस्ट इंस्पिरेशन। जितनी लंबाई से सांस लेना है उतने ही छोर लंबे तरीके से या टाइम के साथ उसे फोर्सफुली बाहर की तरफ निकालना, ताकि जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम छोड़ते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कहते हैं कि वाइटल कैपेसिटी हमारी बढ़ जाती है। सांस को छोड़ने की प्रक्रिया उसको बोलते हैं, जोर से
हमारी रेसिस्टेंस पावर बढ़ जाती है, ठीक है ना। ये चीजें क्या है, ये हमारी नॉर्मल होती है। और उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द लंग्स जो है, ब्रोंकियस जो है, इनकी नालियां जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती है। अब है हमारे मस्कुलर सिस्टम पर इन एक्सरसाइजेस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है बेटा। मस्कुलर सिस्टम पर कितने टाइप्स के सिस्टम हमने पढ़े हुए हैं, यह हमें पता है, 9 टाइप्स के हमारे सिस्टम है। अभी हमने किया सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब हम कर रहे हैं मस्कुलर सिस्टम, ठीक है बेटा। ये क्या है, 9 हमारे सिस्टम्स है, जैसे रेस्पिरेटरी है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो इनमें से कुछ सिस्टम्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि इनका एक्सरसाइज करने से इन पर क्या इम्पैक्ट या इनका क्या इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पर। तो आज नेक्स्ट जो कर रहे हैं हम वो है मस्कुलर सिस्टम। हमारे मस्कुलर सिस्टम पर इसका क्या इम्पैक्ट या इसका क्या असर होता है। पहले तो मसल्स जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं आपको पता है, कितने टाइप्स के मसल्स होते हैं हमारे, एनी वन ऑफ यू बेटा? मसल्स के टाइप्स तो आपको पता ही होंगे, पढ़े हैं आपने छोटे होते से ही। नो आंसर एट ऑल। वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक, ये 3 मसल्स पढ़े हैं ना, कार्डियक पढ़े हैं ना, 3 प्रकार के मसल्स होते हैं। वॉलेंट्री कौन से होते हैं बेटा, दोस विच आर अंडर आर कंट्रोल, ठीक है। मैंने हाथ को हिलाना है, ट्विस्ट करना है, पैरों को ट्विस्ट करना है, रनिंग करनी है, ये करना है, बोलना है, ये है वॉलेंट्री मसल्स जो हमारे कंट्रोल में है। जब हम इन्हें स्टॉप करना चाहें ये स्टॉप होंगे, जब हम इन्हें स्टार्ट करना चाहेंगे ये स्टार्ट हो जाएंगे। इनवॉलेंट्री मसल्स कौन से हैं, इनवॉलेंट्री वो हैं जो हमारे सेंसेस के, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन विशेस। ओन विशेस भी नहीं, जो सिस्टम हमारी बॉडी में सेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप काम करते हैं, और ये इंटरनल होते हैं तभी इन्हें हम कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं। और एक होते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स किससे रिलेटेड है, हमारे हार्ट से रिलेटेड जो भी मसल्स होते हैं वो कार्डियक मसल्स के अंडर आते हैं। अब पता चल गया बेटे, नॉर्मली हमारे कितने टाइप्स के मसल्स हैं, मेनली दे आर ऑफ 3 टाइप्स, पहला है वॉलेंट्री, दूसरा है इनवॉलेंट्री और तीसरा है कार्डियक। अब कार्डियक जो है वो भी इनवॉलेंट्री है, अपने आप हार्ट का चलना, कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलीज करना, ठीक है, ये सब काम वो अपने आप करता है। और इसमें मसल्स की जो वर्किंग होती है वो इनवॉलेंट्री होती है, वहाँ पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। हमारा कंट्रोल है अपनी डाइट पर, एक्सरसाइज पर, ताकि हम हार्ट को या जो हमारे इंटीरियर बॉडी के पार्ट्स हैं या ऑर्गन्स हैं या सेंसेस हैं उनको डिस्टर्ब ना करें या उनकी वर्किंग में हिंड्रेंस पैदा ना करें, ठीक है ना। कुछ ऐसे ही काम हम करते हैं या इंटेक ऐसी चीज़ों का करते हैं जिसके कारण हमें ये प्रॉब्लम्स जो हैं आ जाती हैं। यहाँ पर ओनली 10-15% है जो हेरिडिटरी में काउंट होती है, अदरवाइज इट इज अकॉर्डिंग टू अवर लाइफस्टाइल और अवर वे कि हम इन चीज़ों को बंद या इन चीज़ों की डायरेक्शन या वर्किंग में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। उसके बाद आता है जो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, उनमें कौन कौन सी बेटा, उनमें कौन कौन सी टाइप होती है, स्ट्राइप्ड है, अनस्ट्राइप्ड है, ठीक है ना। स्ट्रेटन मसल्स भी आप उनको बोलते हो नॉर्मली, ठीक है, सिंगल एज वाले, डबल एज वाले, 3 एज वाले मसल्स होते हैं। अब है मसल्स का बेनिफिट या क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, मसल्स का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, मसल्स क्या काम करते हैं, किसी को पता है बेटा? कृष, आप एक आधा बताओगे बेटा कि मसल्स का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, कोई काम करते हैं मसल्स हमारी बॉडी में कि नहीं करते, क्या काम करते हैं?
क्या करते हैं बेटा, पुल एंड पुश कर देंगे। ओके सबसे पहले बेटा हमारी बॉडी जो है वो स्केलेटन सिस्टम की बनी हुई, स्केलेटन है ना, जिसे हम कह सकते हैं एक बोनी स्ट्रक्चर। उसके ऊपर हमारे मसल्स लगे हैं जो हमारी बॉडी को शेप देते हैं। पहला क्या काम करते हैं, इट प्रोवाइड्स और गिव और शेप टू आर बॉडी, हमारी बॉडी को शेप देते हैं, ठीक है। दूसरा इसने अभी बताया है बहुत अच्छा कि ये अप या डाउन करने में, क्या बोला था आपने, पुश और पुल करने में या अप एंड डाउन करने में, यानी कि ये लीवर का काम करते हैं। लीवर का मतलब क्या होता है, हम देखते हैं ना कई चीजों को उठाने के लिए हम ऊपर या नीचे, कहाँ पर है फलक्रम है लोड है, ठीक है ना। तो लीवर का काम जो है वो कौन करते हैं, हमारे बॉडी की बोन्स और मसल्स मिलकर ये काम करते हैं, दे वर्क। उसके बाद फीडिंग ब्रीदिंग स्पीकिंग इन सब में हमारे कौन काम करते हैं, हमारे मसल्स काम करते हैं। उसके बाद है हमारे जो मसल्स हैं, दे प्रोवाइड अ फोर्स हो गया है, बिग मसल्स प्रोटेक्ट अवर बोन्स, हमारी बोन्स को प्रोटेक्ट करने में भी ये हेल्पफुल होते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो ब्रेन, ये हमारे जो हार्ट है, दे आर द वेरी सेंसिटिव पार्ट, ठीक है ना। ये ऐसे ऑर्गन्स हैं, अगर ये थोड़े भी डैमेज हो जाए तो फैटल यानी कि डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा जब कई बार बहुत सीवियर एक्सीडेंट होते हैं तो कहते हैं ना उसके चेस्ट में लगा था, रीजन जो रिब्स हैं दे आर द प्रोटेक्टर फॉर आर लंग्स एंड हार्ट। जो हमारे रिब्स हैं वो हमारे दिल की और लंग्स को दोनों को प्रोटेक्ट करने में, अगर थोड़ा बहुत कोई कहीं से झटका भी आए तो रिब्स ब्रेक डाउन होते हैं, हार्ट पे इम्पैक्ट नहीं होता उसका या इफेक्ट नहीं होता। इन द सेम वे जो हमारे बोन्स हैं स्कैल्प के फ्लैट बोन्स हैं, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं, या मसल्स इनके साथ जो होते हैं वो डेलिकेट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद स्टोमक इंटेस्टाइन ब्लड वेसल्स एक्स्ट्रा जो है वो उन्हें प्रॉपर प्लेस पर उन्हें इंटेक्ट करके रखने में भी हमारे मसल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इज इट क्लियर बेटा, ये काम जो है ये मसल्स करते हैं, इसलिए मसल्स जो हैं